जैसे आदमी करोड़ों रुपया लगा के एक बंगला तैयार करता है, क्या बात, बाहर एक टूटा सा जूता लटका देगा। अच्छा लटकाता भी वो एक है, उसको पता जोड़ी लटकाएंगे कोई पहन के निकल जाएगा। इतना अंधविश्वास है हमारी सोसाइटी में। अच्छा कोई बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो आदमी रास्ता क्रॉस नहीं करता, ये बिल्ली है रास्ता ही काटेगी और क्या, केक काट के जाएगी वो, बताओ। अच्छा एक ये भी अंधविश्वास है, कहते दूध पी के रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, भूतनी पीछे पड़ जाती है। हाँ अच्छा आदमी करे तो करे क्या, दूध पी के बाहर निकले तो भूतनी पीछे पड़ जाए, दारू पी के घर आए तो बीवी पीछे पड़ जाए। अच्छा कई लोग बोलते हैं तोते का जूठा खिलाओ ना बच्चे को, बच्चा साफ बोलने लगता है। चक्कर में ना कई लोग तोते की मिर्ची छीन लेते हैं, गाजर छीन लेते हैं, अपने बच्चे को खिलाते, इस चक्कर में तोता भूखा रह जाता है। फिर जब तोता पिंजरे से बाहर आता ना, वो उसी बच्चे के चोंच मारता है जो बच्चा कहता नहीं मेरे मामू की शादी में जुलूल जुलूल आ रहा उसको। अच्छा फिल्मों में बड़ा अंधविश्वास होता है कि अगर दिया बुझ गया तो समझो बीमार बाबूजी गए। इस चक्कर में लोग अपने दिए को घी पिलाते रहते हैं, भाई इतना घी बाप को पिलाया होता तो 4 साल और निकाल जाता। कई लोगों का ये मानना है कि सुबह का सपना सच होता है, इस चक्कर में कई लोग सुबह जानबूझ के दीपिका पादुकोण का सपना देखते हैं। मजा तब आता है जब बीवी मुंह से रजाई खींचती ना, तेरा बेड़ा गर्क क्या कर रहा है ये, पैर के अंगूठे से सारी रजाई फाड़ दी क्या कर रहा है। लेकिन एक बात बता जी, जब कपिल शर्मा दीपिका पादुकोण का सपना देते तो कौन खींचता है रजाई? अच्छा मेरा स्पेशल केस है, मैं जब उसका सपना देखता मेरी रजाई भी वही खींचती। अच्छा कुछ लोग जब ट्रेन पुल के ऊपर से निकलती ना तो बड़ा अंधविश्वास होता है कि ऐसे नदी में सिक्का फेंको, मन्नत पूरी होती है। कुछ लोगों के पास सिक्का नहीं होता, दूसरे से मांगते हैं भाई सिक्का देना। अच्छा जिन्होंने नहीं देना आता ना बाबा, अपना ही सिक्का फेंको तो मुराद पूरी होती भाई साहब। हमारे दास दादा ना, इनके पास सिक्का नहीं था, खुद ही कूद गए। मैंने कहा दादा इतना अंधविश्वास करता है, अंधविश्वास कहेगा मेरे पास टिकट नहीं थी, टीटी आ गया था। एक्चुअली ये दो जन्मों की स्टोरी है। हाँ मतलब स्टोरी दो जन्मों की नहीं है, बट रीइन्कार्नेशन का जो बैकड्रॉप है वो है। ओके तो हम थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि प्यार जो है वो एक जन्म के लिए जरूरी नहीं है, पहले जन्म से भी हो सकता है। लड़की अच्छी हो तो 2-3 जन्म तक जा सकते। शांत और कृति दोनों ही बेसिकली इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, हैं? और आप ट्रेलर देखना उसमें अंडर वाटर जाके एक दूसरे को सांस वगैरह दे रहे हैं। एग्जैक्टली सांस ही दे रहे हैं। तो ये मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते ये डॉक्टरी वाले गुण कहाँ से सीख गए आप? आई मीन डू यू बिलीव कि जो अंडर वाटर किस होता है, ये हाइजीनिक होता है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, कर ये रही थी, मैं तो बेहोश था। मैंने देखा ट्रेलर में साफ तौर पे आप कोई बेहोश नहीं थे, आपकी आंखें खुली हुई थी। भाजी लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए, सुशांत को फिल्म में तलवारबाजी करनी थी तो तलवारबाजी सीखने के लिए ये बैंकॉक गए थे, am I right? हाँ, जी बिल्कुल तलवारबाजी सीखने गए थे। हाँ तलवारबाजी सीखने गए। तो पता है महेंद्र सिंह धोनी इनसे नाराज है, क्यों? वो कहते हैं मेरा नाम टाइप करो फोटो सुशांत की आती है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वो आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा तो 2.5 घंटे मैं मेहनत करता हूँ जिम में ताकि मैं आइसक्रीम खा पाऊँ। ये जिम नहीं जाती। अच्छा और ये खाती है लेकिन पता नहीं कहाँ जाता। एक्चुअली आप लोगों को खाना इस तरफ लगता है, आपको इस तरफ लगता है। पर जिस दिन दीपिका पादुकोण का गाना शूट था ना उस दिन कॉल टाइम से पहले पहुंच गई है। उस दिन कॉल टाइम था ही नहीं इनका। आपका काम ही नहीं था। काम ही नहीं था। तो क्या उधर क्या मतलब भैया उधर क्या जो तेरे लिए क्या वही उसके लिए क्या। नहीं उस दिन आपका अलार्म जल्दी बज गया था क्यों? तो फिर क्या करने गए थे आप? अरे वो होटल पास में ही था। बहुत दूर था। पास में ही था। बहुत दूर था। टहलते हुए बस आ गया बस ऐसे। कोई काम नहीं था उस दिन? नहीं, नहीं। काम तो था मतलब लेकिन पर्सनल काम था। भाजी आपको रेखा जी के सपने आते कि बंद हो गए अभी? ऐसे बीच में आपने एक बार बोला था। अच्छा सॉरी इट्स ओके। अगर तुझे दीपिका के सपने आते तो फिर मुझे आते हैं। मतलब आपको आते हैं, आते हैं। कि अगले जन्म में किस रूप में आप आना चाहें, आपके पास फुल लिबर्टी हो तो आप क्या बनना चाहेंगे? कोई है हमारे दोस्त जो? जी मैम मुझे शाहरुख खान की माँ बनना है। माँ क्यों बनना है, गर्लफ्रेंड बनो ना। नहीं माँ बनना। मैं हांगकांग से हूँ कपिल जी। तो उधर माँ ही बनते हैं। अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं पिजन बनूंगी, कबूतर। कबूतर बनेंगी आप? हाँ क्यों? पर कबूतर कैसे बनेंगी आप, तो कबूतरी बनेंगी। वही मतलब चिट्ठी देनी हो लेनी हो, पहले के जमाने में सब ऐसे ही करते थे। तो आप डाकिया बन जाती। डाकिया
कबूतर वे बहुत स्वीट होते हैं बेचारे और एकदम प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, सबसे बड़ी बात। वो तो तोता, तोता भी वेजिटेरियन ही होता है। तोते को आपने चिकन खाते देखा कभी? नहीं सर। तो फिर अक्षय कुमार जी क्या अक्षय कुमार बनना चाहते हैं? अक्षय कुमार बनना चाहते हैं? हाँ जी। ऐसे क्यों सर? क्योंकि अपनी फिल्म में रियली स्टंट करते हैं तो मैं शुरू से लाइक करता हूँ उनको। तो आप इस जन्म में करना शुरू कर दो ना। सिर्फ वो स्टंट करते हैं इसलिए आपको अच्छे लगते हैं? जी सर। नहीं मेरे भाई, मतलब जैसे वो स्टंट करते हैं तो खाली अच्छा लगता है आपको स्टंट करना, इसलिए बनना चाहते हैं अक्षय कुमार? जी सर। और उसके अलावा? और उसके अलावा एक्टिंग भी अच्छी करते हैं वो। ये नई बात बताई आपने हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं आप अभी क्या करते हैं, इस जन्म में क्या करते हैं आप? सर मैं सिटी केबल चलाता हूँ। अच्छा, हम भी चलाते हैं अपने शो में कभी कभी। अरे एक बात बताओ, सिटी केबल वाले जो होते हैं, जैसे कभी कभी होता था मेरे अमृतसर में, हम लोग जब टीवी देखते थे तो रात 10 बजे अगर शोले फिल्म आ रही है, सडनली रात को 12 बजे शोले जितनी चल गई चल गई, उसके बाद सडनली आप? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं। कहाँ पे चलाते हैं आप सिटी केबल? दिल्ली में सर। चलता है पूरा अच्छे से चलता है? हाँ जी सर। वैसे दिल्ली में 11 बजे ही शोले चेंज हो जाता है, मैंने देखा। अगर आपको अगला जन्म लेने की अनुमति दे दे गवर्नमेंट, मतलब कुदरत, तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं एक्चुअली ग्रैंडफादर बनूंगा सर मेरे। वो इस जन्म में बनेंगे, भरोसा रखें आप। ऐसा कुछ नहीं है। आप मींस मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने मुझे कहा था कि आप सेम ग्रैंडफादर के माफिक दिखते हो। अच्छा जी। तो मैंने उनको देखा नहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे ग्रैंडफादर बनना है करके। पापा बन गए आप? नहीं सर, अभी शादी हो गई आपकी? नहीं सर। तो प्रोसेस शुरू करो ना आप। और कोई हमारे दोस्त पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले? हेलो कपिल सर जी, सिद्धू सर जी, आपको नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अशोक अवस्थी, दिल्ली से। अच्छा जी, आपने जो बताया कि एड्रेस मृत्यु होनी है जिस समय जी, उसी समय ही होनी है। हाँ, क्योंकि हमारे एक हमारे बाबा जी जी, उनकी डेथ हो गई, तो 2 घंटे बाद उनकी अर्थी लगाने लगे, तो अच्छा। उस समय क्या हुआ, उन्होंने आंखें खोल दी और उठ बैठे, और अब बाबा जी बियर पी के सो रहे हो। उन्होंने बताया, मैंने पूछा तो जब उठे उन्होंने ये नहीं कहा कि क्वार्टर और मंगाओ। पर आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ में मेरी मैसेज भी आई हुई है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ये घर पे भी इतने सीरियस हैं कि कभी रोमांटिक भी होते हैं? क्यों नहीं, समाज में दुनिया में आए तो रोमांटिक भी होंगे ना। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स